नमस्कार, यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूँ वयंग रक्षामा उपन्यास, जिसे लिखा है आचार्य चतुर सिंह शास्त्री ने। इस उपन्यास में अब तक आपने सुना कि रावण का वध हो चुका है, आज सुनिए इसका अंतिम हिस्सा उपसंहार। चौरासी दिन तक लंका का घोर संग्राम होता रहा, अंत में पुत्र परिजन सहित राक्षसपति रावण मारा गया, राम जयी हुए। युद्ध फाल्गुन मास में आरंभ हुआ और रावण का वध बैसाख कृष्ण चतुर्दशी या अमावस को हुआ। रावण के मरने पर राम ने विभीषण को लंका तथा राक्षसों का स्वामी बना दिया, परंतु विभीषण और उसके सहयोगी लंकावासियों ने राक्षस धर्म त्याग कर आर्य मार्ग ग्रहण किया। जो इसे सहमत हुए नहीं हुए, उन्होंने लंका त्याग दी। कुल मिलाकर 13 मास सीता लंका में रही। अब सीता को संग लेकर राम पुष्पक विमान में बैठकर दलबल सहित किष्किंधा में लौटे। वहां कुछ दिन सुग्रीव का आतिथ्य ग्रहण कर दंडक वन में पहुंचे, जहां अगस्त्य प्रमुख सभी ऋषियों तापसियों ने राम की अभ्यर्थना की। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि प्रमुख अब भी राम के साथ थे। उधर भरत ने 14 वर्ष की वनवास अवधि पूर्ण हुई ये जानकर सुमंत सचिव को परिसर में ले जाकर राम को अभ्यर्थना सहित अयोध्या ले आने को दंडकारण्य भेजा था। अज्ञात चोर ने रघुवधु सीता को चुरा लिया है और राम लक्ष्मण उन्हीं को वन वन खोजते किष्किंधा की ओर गए हैं। ये समाचार पाकर सुमंत ने किष्किंधा को दूत भेजा। उसने लौटकर कहा कि लंकापति रावण ने सीता का बलात् हरण किया है और राम की सहायतार्थ सब बानर कटक लेकर सुग्रीव ने लंका पर अभियान किया है। ये सूचना पाते ही कोसल के धीर वीर वृद्ध मंत्री आंसु बहाते तीव्र गति से अयोध्या लौटे। अयोध्या में आकर उन्होंने सीता हरण का दारुण समाचार भरत को सुनाया, जिसे सुनकर अयोध्या के राजमहल हाहाकार से भर गए। अयोध्या शोक सागर में डूब गई। भरत को यह देखकर बड़ी ग्लानि हुई कि आर्य राम ने इस विपत काल में मुझे सूचना नहीं दी। वे रघुवंशियों की चतुरंग चमू को लेकर द्रुत गति से कूच करते दक्षिणापथ पर चल दिए, परंतु वे दंडकारण्य तक पहुंच पाए जबकि राम लंका को विजय कर वहां पहुंच चुके थे। भरत को चतुरंग चमू सहित आया सुनकर रामभद्र ने अगस्त्य प्रमुख सब ऋषियों वानरों और राक्षसेंद्र विभीषण सहित आगे बढ़कर भरत का अभिनंदन किया। सब भाई प्रेमाश्रु गिराते मिले। चिरवयोग के दारुण दुख का अंत हुआ। वैदेही सहित राम लक्ष्मण ने माताओं और गुरुजनों की पद वंदना की। माताओं ने दोनों पुत्रों को प्रेमाश्रु गिराते हृदय से लगाया, सीता को प्यार से आशीर्वचन कहे। अब राम, वशिष्ठ, वामदेव, इंद्र, अगस्त्य, विभीषण, सुग्रीव, सुतीक्ष्ण आदि नरपति वरिष्ठों और नृवंश के नेताओं की सभा दंडकारण्य में हुई। उत्तरापथ, आर्यावर्त और दक्षिणावर्त के सब प्रतिनिधि नेता, देवलोक और मृत्युलोक के प्रतिनिधि, दक्षिण के द्वीप समूहों के अधिपति, नाग कुलपति दंडकारण्य में आकर इस महती सभा में बैठे। पृथ्वी के राज्यों का यथावत विभाजन हुआ। रावण का साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। विभीषण को लंका का राज राजेश्वर तथा सप्त द्वीपों का संरक्षक स्वीकार किया गया। देवलोक और आर्यावर्त के राज्यों की नई सीमाएं निर्धारित हुई और तब से दक्षिणारण्य तक समूचा ही भारतवर्ष आर्यावर्त घोषित कर दिया गया। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने परामर्श कर आर्यों की सम्मिलित जाति का नए सिरे से संगठन कर गुणकर्म देखकर उन्हें 4 वर्णों में विभाजित कर दिया और उन्होंने वर्ण मर्यादा की ऋचाएं प्रस्तुत की और वे सब वेदांग स्वीकार कर ली गई। अब वेद निश्चित रूप से आर्यों की सांस्कृतिक व्याख्या का धर्म ग्रंथ स्वीकार किया गया। 4 वर्ण बन जाने से सब छोटे बड़े मूर्ख और विद्वान, स्वामी और सेवक परस्पर पृथक समूह का प्रतिनिधित्व करते हुए भी समष्टि रूप से आर्य कहलाने लगे। विजेता को, अनार्यों को, पतितों को भी शूद्र संज्ञा देकर आर्यत्व की जाति मर्यादा में बांध लिया गया। आर्यों, देवों तथा आर्येतरों में मैत्री संबंध स्थापित हो गए। आर्यों का सौष्ठव सबने स्वीकार किया तथा वशिष्ठ आर्यों के सबसे बड़े धर्म नेता स्वीकार कर लिए गए। उन्हीं की यज्ञ विधि आर्यों ने स्वीकार की। केवल देवगण ने न वर्ण मर्यादा स्वीकार की, न परिवार, न पितृमूल कुल परंपरा, न वशिष्ठ की यज्ञ विधि। उनके धर्म नेता नादर्शी वामदेव ही रह गए और उन्हीं की वाम विधि देवों ने स्वीकार की, परंतु दोनों में सद्भाव कायम हो गया। सब व्यवस्था कर रामभद्र मित्र परिजनों के साथ भरत को आगे कर नंदीग्राम में आए और ठीक 14वें वर्ष की समाप्ति पर चारों भाइयों ने
जय जयकार कर तपस्वी वेश त्याग कर राजोचित वेश तथा राज परिच्छेद धारण किए। फिर मित्रों, पुरोहितों और ऋषियों सहित अयोध्या में आकर राम ने धूमधाम से राज्याभिषेक कराया। संपूर्ण आर्यावर्त, देवलोक और द्वीप द्वीप के राज प्रतिनिधियों ने राम के राज्याभिषेक में भाग लिया। राम समूचे आर्यावर्त के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिए गए। सीता जनक नंदिनी आर्यों की राजमहिषी बनी। सब समारोह संपन्न होने पर राम ने दान मान से सत्कृत कर देव, दानव, मानव, नर, नाग, असुर, रक्ष, वानर, ऋज, दैत्य प्रतिनिधियों, राजर्षियों, यतियों, ब्रह्मचारियों, वेदपाठियों, भटों, सुभटों, मित्र बांधवों को विदा किया, सेवकों को संतुष्ट किया और अयोध्या में राम राज्य संचालित किया। मथुरा के शासक लवणासुर ने राम का शासन स्वीकार नहीं किया। यह यादव नरेश भीम सातत्व का प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधि था। वह राक्षस धर्मी तथा नरभक्षी था, इसलिए राम ने शत्रुघ्न को उस पर चढ़ाई के लिए भेजा। शत्रुघ्न ने घोर युद्ध कर लवणासुर को मार डाला। यादव नरेश भीम शत्रुघ्न के भाई से सुदूर दक्षिण से हट गया। शत्रुघ्न 12 वर्ष मथुरा के गद्दी पर रहे। कालांतर में राम के दो पुत्र हुए, कुश और लव, लक्ष्मण के अंगद और चंद्रकेतु, भरत के तक्ष और पुष्पकर, शत्रुघ्न के सुबाहु और शत्रुघाती। इस समय केकय देश के आनव राजा ने भरत की मामा युधाजित को मारकर गंधर्वों से उनका राज्य छीन लिया। यह सुनकर राम ने भरत को चतुरंग चमू देकर गंधर्वों पर चढ़ाई के लिए भेजा। भरत ने गंधर्व राज को पराजित कर गंधर्व देश और केकय देश पर अधिकार कर लिया। राम ने भरत को वहां का राजा बनाया। समय पाकर भरत के पुत्र पुष्कर ने पुष्कराती नगरी बसाई और उसे अपनी राजधानी बनाई। ये दोनों प्राचीन महानगर अब तक पेशावर और तक्षशिला के नाम से विख्यात है। राम ने और भी राज्यों को जय करके उन्हें पुत्र परिजनों में बांटकर सूर्यवंश की अनेक नई गद्दियां स्थापित की। राम ने ज्येष्ठ पुत्र कुश को अपना युवराज घोषित किया तथा विंध्य के दक्षिण कुशस्थली में कुशावती नगर बसाकर उन्हें वहां का राज्यपाल बना दिया। लव को उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती में स्थापित किया, जो गोंडा या बहराइच जिले में है। लव ने पंजाब में लवपुर नगर बसाया, जो लाहौर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु को कारापथ के अंतर्गत अंगद नगर तथा चंद्रावती के राज्य दिए, जो मल्लदेश में हिमाचल उपत्यका में थे। सुबाहु को मथुरा तथा शत्रुघाती को विदिशा, जो अब भिलसा कहलाता है, का राज्य मिला। इस प्रकार राम ने अपने भाइयों और अपने भाइयों के 8 पुत्रों को पृथक पृथक राज्य बांट दिए, जो सब अयोध्या की मुख्य गद्दी के अधीन थे। श्री राम ने सुग्रीव, विभीषण और शत्रुघ्न को मिलाकर केवल अपने बाहुबल से 11 राजाओं का अभिषेक किया। अंग, बंग, मत्स्य, श्रृंगवेरपुर, काशी, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण कोसल, किष्किंधा और लंका राम की मित्र शक्तियां थी। इस समय तक आर्यों के इतिहास में राम से बढ़कर व्यापक प्रभावशाली सार्वभौम सम्राट नहीं हुआ था। राम राज्य में आर्यों का प्रभाव सारे निर्वंश पर छा गया और आर्यों की जाति सारी पृथ्वी पर श्रेष्ठ जाति स्वीकार कर ली गई। गोदावरी के दक्षिण तक आर्यों के प्रबल राज्य स्थापित हो गए। पंपा, मलय, महेंद्र तथा लंका सुदूर दक्षिण के सब द्वीप समूहों में राम नाम की महिमा तथा आर्यों का प्रबल प्रभाव स्थापित हो गया। राम के बड़े पुत्र कुश को दक्षिण कौशल तथा अयोध्या राज्य मिला। अवध के दो भाग करके राम ने श्रावस्ती लव को दी और अयोध्या कुश को। बड़े होने के कारण उन्हें दक्षिण कौशल भी मिला, जो विंध्य देश में था। कुश राम की मृत्यु के बाद कुशावती में रहने लगे थे। इससे अयोध्या उजाड़ होने लगी और तब वहां के निवासियों की प्रार्थना पर वे फिर से अयोध्या में चले आए। कुश का विवाह किसी तक्षक नाग की पुत्री कुमुदावती से हुआ था। दुर्जय नाम के एक असुर से युद्ध करते हुए कुश की मृत्यु हुई। इनका बड़ा पुत्र अतिथि बड़ा प्रतापी था। उसने पितृहंता को मारा। इनके वंशधर परिपात्र के छोटे भाई सहस्त्रार्ष्ट ने दूसरा राज्य स्थापित किया। परिपात्र के 3 पुत्र शल, दल, बल
एक दूसरे के पीछे राजा हुए। बल के वंश में राज्य चला। हिरण्याभ इसी वंश में हुए जिन्होंने जैमिनी से योग सीखकर याज्ञवल्क्य को सिखाया। इनके पौत्र पर के पीछे इस वंश का राज्य नष्ट हो गया। दूसरी शाखा में शहस्त्रास्त्र की 6 पीढ़ियां चली जिसके अंतिम राजा श्रुतायुध महाभारत संग्राम में लड़े थे। लव श्रावस्ती के नरेश बनाए गए थे। इनका वंश दीर्घ काल तक चला। लव के पौत्र राजा ध्रुव सिंधु के 2 विवाह हुए। प्रथम कलिंगपति की पुत्री मनोरमा से, दूसरा उज्जैनपति युधाजित की पुत्री लीलावती से। राजा ध्रुव सिंधु आखेट करते हुए सिंह के द्वारा मारा गया और मंत्रियों ने मनोरमा के पुत्र बालक सुदर्शन को राजा बनाया। इस पर कलिंग और उज्जैन नरेश अपने अपने दौहित्रों के पक्ष में लड़ने को तैयार हो गए। श्रृंगवेरपुर में भी युद्ध हुआ जिसमें कलिंग नरेश मारा गया और मनोरमा बालक सुदर्शन को लेकर प्रयाग में आकर भारद्वाज के आश्रम में शरणापन्न हुई। युधाजित उज्जैन पति ने अपने दौहित्र शत्रुजीत को राजा बना दिया। भारद्वाज के आश्रम में रहकर सुदर्शन बड़ा विद्वान हो गया। कुछ दिन बाद काशी के राजा सुबाहु की पुत्री शशिकला का स्वयंवर हुआ। शशिकला सुदर्शन का गुण सुन चुकी थी, उस पर मुग्ध थी। उसने चुपके से उसे बुला भेजा। स्वयंवर के दौरान युधाजित शत्रुजीत कार्शुपति भद्रशर सिंहराज महिष्मतिपति पांचाल राज कामरूप कर्नाटक विदर्भ केरल चोल आदि सभी राज्यों के राजा एकत्रित थे। युधाजित ने आपत्ति की कि सुदर्शन कहीं का मुकुटधारी राजा नहीं है, अतः वह स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हो सकता। पर केरल नरेश ने उसका पक्ष लेकर कहा कि वह ध्रुव सिंधु का बड़ा पुत्र है, अतः माननीय राजपुरुष है। पर युधाजित ने इसका कड़ा विरोध किया। यह देखकर अनेक राजा उसके पांडित्य और सदाचार को देखकर सुदर्शन के पक्ष में हो गए। स्वयंवर में शशिकला ने जयमाला भी सुदर्शन के ही कंठ में डाली। इस पर युधाजित और शत्रुजीत युद्ध पर सन्नद्ध हो गए। राजा सुबाहु और सुदर्शन के पक्ष वाले राजाओं में युधाजित और शत्रुजीत की सम्मिलित सैन्य का भारी युद्ध हुआ जिसमें युधाजित और शत्रुजीत मारे गए। सुदर्शन शशिकला को ब्याह कर श्रावस्ती के राजा बने। ये वंश महाभारत तक चला। महाभारत संग्राम में इस वंश का बृहद्वल मारा गया था, परंतु ये राज्य आगे तक चलता रहा। बुद्धकालीन इतिहास प्रसिद्ध अयोध्या नरेश प्रसेनजीत इसी वंश में हुए। लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों के राज्य बहुत जल्दी टूट गए। द्वापर युग में सूर्यवंश दबा रहा, चंद्रवंश की विशेषता रही। सारे संसार में लव का वंश ही सर्वाधिक काल तक अखंड चला। विभीषण ने राक्षस धर्म त्यागा और आर्य धर्म में दीक्षित हुए। कृतज्ञता स्वरूप जब राम के पुत्रों का जन्म हुआ तब उन्होंने कुश के नाम पर शिवदान द्वीप का नाम कुश द्वीप रख दिया, जो अब अफ्रीका का महाद्वीप कहलाता है। विभीषण ने रावण के सारे अवरोध को अपने अंतःपुर में दाखिल कर लिया। मंदोदरी ने भी पुत्रवधु सुलोचना का अनुकरण न कर कुलद्रोही विभीषण की महिषी वरना स्वीकार कर लिया, परंतु विभीषण के वंश का प्रताप सूर्य शीघ्र ही अस्त हो गया। उसके उत्तराधिकारी कमजोर रहे। राक्षसों का सारा ही आर्थिक और राजनीतिक ढांचा बिखर चुका था। राक्षसों और दैत्यों के प्रमुख केंद्र और जय नष्ट हो चुके थे। विभीषण कुलघाती था, इसलिए वह लंका में प्रतिष्ठित नहीं रह सका। राम युद्ध में प्रायः सभी योद्धा मर चुके थे, जो बचे भाग गए। लंका की कला कौशल संस्कृति समृद्धि सब कुछ विलीन हो गई। विलाप करती हुई विधवाएं विभीषण को विष दृष्टि से देखती थी। लंका में कोई उसका कल्याण चाहने वाला नहीं था। थोड़े ही दिन के बाद विभीषण की मृत्यु हो गई। उसके बाद लंका का राज्य छोटे से द्वीप तक सीमित रह गया। राम रावण के इस महायुद्ध में लगभग संपूर्ण दैत्य दानव नागवंशी राजा और प्रतिनिधि रावण के सहायतार्थ आए थे। रावण सप्तद्वीपपति था जो उस काल लंका के चारों ओर फैले थे। आज की भौगोलिक स्थिति यद्यपि काफी बदल चुकी है, परंतु वे द्वीप आज ऑस्ट्रेलिया जावा सुमात्रा मेडागास्कर अफ्रीका आदि नाम से प्रसिद्ध हैं। ऐसे प्रबल शत्रु को मारना आसान नहीं था। तिमिरध्वज शंबर और वरचिन की समाप्ति के बाद रावण का ये निधन ऐसा था जिसने संपूर्ण अनार्यवल को तोड़ दिया था। इसी से राम का नाम और वंश इन द्वीपों में फैल गया और भूमंडल में राम विख्यात हो गए। लोग महिदेव और जगदीश्वर की भांति रावण के स्थान पर राम की पूजा करने लगे। चंपा कंबोडिया थाईलैंड बर्मा में भी राम का प्रताप व्याप गया।
यूरोप की जातियां किसी न किसी राम प्रभावित प्राचीन जाति से ही संबंधित है, इसलिए यूरोप के प्रमुख देश जैसे इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, स्कैंडिनेविया, ग्रीस और इटली भी राम प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। इस प्रकार आज के सब देशों में इस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का किसी न किसी रूप से सांस्कृतिक मिश्रण है। ये तो थी चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखे गए उपन्यास का आखिरी पैराग्राफ था जो अभी आपने सुना। लेकिन मेरी तरफ से जो पूरा व्यंग रक्षामह लगभग 2 साल की अवधि में मैंने पढ़ा है, रावण नहीं होता तो राम नहीं होते। हमारे महाकाव्यों की विशेषता है, आज के सिनेमा में भी आप देखेंगे, खलनायक जितना बड़ा होगा उसको पराजित करने वाला नायक भी उससे ज्यादा बड़ा होगा। तो राम को जब भी आप याद करेंगे, साथ में रावण को भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि रावण लंकेश है। विदा लेता हूं इस उपन्यास में, आवाज मंजीत ठाकुर की, और ये उपन्यास स्वयं रक्षामा जिससे लिखा था आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। किस्सा कहानी का चैनल है, कहानियां अच्छी लग रही हो हमें सब्सक्राइब करें, अच्छे साहित्य को, अच्छे कंटेंट को बढ़ावा दें। नमस्कार।